हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए हेयर ग्रोथ सीरम लेके आई हूँ, जो आपके पतले कमजोर बालों को लंबा काला घना करने में मदद करेगा। ये हेयर सीरम आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों, ये 100% इफेक्टिव है। इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। और अगर आपके बाल गर्मियों में और मानसून में बहुत पतले होते हैं या झड़ते हैं, या फिर आपका स्कैल्प है जो कमज़ोर है, तो उसके लिए ये हेयर सीरम आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट मिक्स किए हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होंगे और आपके जो स्कैल्प को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बालों को लंबा काला घना बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है कि आपका स्कैल्प मजबूत होना चाहिए। जब आप अपने बालों को अच्छे से मसाज करते हैं और ऑयलिंग करते हैं, तभी आपके स्कैल्प बहुत मजबूत होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें इसे बनाना है। सबसे पहले हमें जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें लिया है हमने, वो है जिंजर जूस। हमने यहाँ पे अदरक का एक चम्मच के लगभग जूस लिया है, कद्दूकस करके मैंने इसमें जूस निकाल लिया था। ये मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि जिंजर अगर हम अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में इरिटेशन होगी, स्कैल्प में इरिटेशन होगी, इन्फेक्शन होगा, तो नहीं दोस्तों। जिंजर हमारे बालों के लिए बहुत लाभदायक होता है। बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऑयल में भी ये जिंजर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। हमें एक से डेढ़ चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बनाने में मदद करेगा। और एलोवेरा जेल आप प्लांट का भी ले सकते हो, और अगर आप घर का यूज़ कर रहे हो और रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हो, तो आप इस सीरम को 4 से 5 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल लिया है। अब इसके बाद इसमें जो ऐड करना है वो है कैस्टर्ड ऑयल, नहीं तो सरसों का तेल। दोस्तों, ये दो ऑयल अगर आपके पास है तो वो यूज़ कीजिए, और तीसरा कोई ऑयल मत यूज़ करना। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास अभी कैस्टर ऑयल नहीं था। कैस्टर ऑयल आपके बालों के हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पतले कमज़ोर बालों को घना बनाता है। और सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। दादी नानी के टाइम से ये सरसों का तेल हम बालों में लगाते आ रहे हैं, तो हेयर ग्रोथ के लिए सरसों का तेल और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है। इन दो तेलों को आपको लेना है, तीसरा कोई ऑयल नहीं लेना है। लास्ट इसका जो इंग्रेडिएंट है वो विटामिन ई कैप्सूल। आपको विटामिन ई कैप्सूल लेना है और एक कैप्सूल इसमें डाल देना है। विटामिन ई कैप्सूल भी आपकी हेयर ग्रोथ को दुगना कर देता है। जो भी आपके पतले कमज़ोर फ्रीजी बाल हैं, उसको काला घना करने में मदद करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को कर देना है अच्छे से मिक्स। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है तो थोड़ा येलोइश कलर हो गया है। अगर आप कैस्टर ऑयल लोगे तो ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर में होगा। तो ये सारी चीज़ हमने मिला दी हैं। अब ये आपका हेयर सीरम बनके तैयार है। आप इसको 2 से 3 बार अगर आप इस्तेमाल करके देखो, आपको 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, यकीन मानिए। इसको अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज कीजिए। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जिंजर जूस का इस्तेमाल किया है। जिंजर में एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें जिंजर में फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो आपके पतले कमज़ोर बालों को स्ट्रांग बनाता है। तो इस तरीके से आपको स्कैल्प में अच्छे से इसे मसाज करनी है। इसे आप रेगुलर 2 से 3 बार ट्राई कीजिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।